फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ आलू और सूजी का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। ये देखिए लुक कितनी अच्छी आई है, साथ ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। मैं अभी आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए आप इसे टोमेटो सॉस के साथ या मनचाही चटनी के साथ किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी मांग मांग के खाएंगे, इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती है ये। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं कैसे मैंने तैयार किए आलू और सूजी का मज़ेदार नाश्ता। तो फ्रेंड्स, आलू का एक चटपटा मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए यहाँ ले लिया मैंने फ्राई पैन में 1 चम्मच रिफाइंड तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, साथ ही डाल देंगे 1/2 चम्मच साबुत सरसों। चीजों को अच्छे से भुनने देंगे। देखिए फ्रेंड, जीरा और सरसों थोड़ा सा भुन गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च, इस तरीके से कट करके। हरी मिर्च को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चटपटा बना रही हूँ इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। और फ्रेंड, जैसे ही हरी मिर्च हल्का सा फ्राई हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज, छोटा सा प्याज ले लिया इस तरीके से बारीक कट करके। आप चाहे तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, बिना प्याज के भी ये मिक्सचर बना सकते हैं। यहाँ बेसिकली मैं आलू का चोखा बनाऊंगी जिसकी हम स्टफिंग करेंगे, तो मैं स्टफिंग बना रही हूँ ये। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। यहाँ मैं प्याज डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए प्याज को भी सिर्फ 1 मिनट में भूनूंगी हल्का सा। तो ये देखिए फ्रेंड, प्याज भी हल्का सा भून गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ मैंने 4 आलू ले लिए, इसे बॉईल करके इस तरीके से मैश कर लिया है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें, और लगभग 1 से 2 मिनट हम आलू को भूनेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसमें मसाले ऐड करूँगी। फ्रेंड, आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि प्याज और हरी मिर्च हमारी जले ना। तो अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ही डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर। मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल भी किया है इसलिए मैं 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग को चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैं ले लूंगी 1 चम्मच चाट मसाला। इसकी जगह अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट भून लेंगे आलू को। तो चलिए मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे 1 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मसाले को अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर दिया है। तो यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। और अब हम धनिया पत्ता और नमक को भी अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर देंगे। बस मिक्स कर देंगे और हमारा मज़ेदार सही है मिक्सचर तैयार हो गया आलू का। तो ये देखिए फ्रेंड, धनिया पत्ता और नमक को भी मैंने आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं फ्राई पैन में से। तो मैं उसी प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, पैन में से मैंने सारा मिक्सचर आलू का निकाल लिया है। अब इसी पैन में हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी। तो फ्राई पैन हमारा गर्म ही है, झटपट से पानी भी गर्म हो जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो फ्रेंड, नमक के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इससे हमारा जो नाश्ता है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए पानी में उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम गैस को बिल्कुल कम कर देंगे और 1 कटोरी सूजी ले लेंगे। ज़्यादा भर भर के नहीं लेना, इस तरीके से लेना है आपको। 1 कटोरी सूजी इसमें धीरे धीरे डाल देंगे। आँच को हम बिल्कुल कम रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, और इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। धीरे धीरे हम पानी में मिक्स करेंगे और ये डो फॉर्म में आ जाएगा। इससे पहले भी फ्रेंड्स, मैं आलू सूजी की बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो चलिए सूजी को अच्छे से कम आँच पर पकाना है, लगभग 1 से 2 मिनट। ये देखिए तुरंत ही डो फॉर्म में आने लग जाता है। इस रेसिपी को बनाने में फ्रेंड ज़्यादा समय नहीं लगता है, झटपट से आप कभी भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। समय नहीं लगता और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनके तैयार होती है ये, एक बार आप ट्राई करें।
तो ये देखिए बातों ही बातों में सूजी जो है बिल्कुल डो फॉर्म में आ गई है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट। तो ये देखिए डो फॉर्म में आ गई, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक देंगे ताकि सूजी अच्छे से पक जाए। तो चलिए मिलती हूँ इसके ठंडे होने के बाद, तब तक अगला काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक सूजी ठंडा हो रहा है हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून मैदा, मैदे की जगह आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें ले लेंगे सबसे पहले हम 1 चम्मच सफेद वाले तिल, तिल हो तो जरूर डालें, इससे लुक अच्छी आती है। साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी या मंगरेल, ये दोनों चीजें मैं सिर्फ लुक के लिए डाल रही हूँ, साथ ही खाने का स्वाद तो बढ़ाएगी ये। कलौंजी के साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, अब थोड़ा सा धनिया का पत्ता। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी। तो फ्रेंड थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं एक घोल तैयार कर लूंगी, घोल ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। मैं भी आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। इस घोल में जब हम अपने नाश्ते को डिप करके फ्राई करेंगे तो वो अंदर से ऑयली नहीं बनेगा, ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ, मैं ज़्यादा ठीक लग रहा है मेरे को। तो ये लीजिए फ्रेंड घोल भी हमारा बनके तैयार हो गया। ये देखिए फ्रेंड इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना पतली। तो चलिए घोल भी हमारा बनके तैयार हो गया, सूजी को चेक कर लेते हैं ठंडा हो गया होगा ये फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड सूजी भी ठंडा हो गया होगा, चेक कर लेते हैं ये देखिए। तो चलिए अब एक प्लेट ले लूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं प्लेट में सारा मिक्सचर डाल दूंगी, अभी हाथ से छूने लायक हो गया है। तो इसे अच्छे से हम इस तरीके से, चलिए इस तरीके से थोड़ा आटे की तरह गूंद के सॉफ्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलती हूँ आपसे इसे थोड़ा सॉफ्ट करके। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने सूजी को अच्छे से गूंद लिया है और फ्रेंड्स ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो चलिए अब हम बड़ी सी एक लोई बना लेते हैं, इसे 2 भाग में बांट लेते हैं, इसको रोल करेंगे और यहीं पे स्लैब पे मैं इसे बेल लूंगी। तो चलिए ले लेते हैं लोई को और इसे बेलन की हेल्प से बेल लेते हैं, बहुत ईजिली बेल जाएगा। रोटी जैसा बेलना है हमें, रोटी जैसा बेल लेना है, लेकिन रोटी जैसी पतली नहीं करनी है हमें, थोड़ी मोटी रखनी है इसे। देखिए फ्रेंड मैंने इसे रोटी जैसा बेल लिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसे गोली बेलना है, अभी हम इसे काटेंगे। तो ये देखिए मैं भी दिखा भी रही हूँ, ना ज़्यादा मोटा ना पतला, ये देखिए इसकी इतनी थिकनेस रखनी है आपको। तो फ्रेंड्स अब हम ले लेंगे एक कटोरी, कोई भी कटोरी ग्लास कुछ भी ले लें और इसे इस तरीके से गोल गोल कट कर लें, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने कट कर लिया है और 3 इस तरीके की गोल गोल छोटी छोटी पूरियां हमें मिल गई हैं। ये जो वेस्ट निकला है इसको हम दोबारा से गूंद लेंगे और इसी तरीके से बेल के कट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके की छोटी छोटी पूरियां हमें बना लेनी है और अब हम स्टफिंग करेंगे इसमें आलू की। ये जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था इसे हल्का सा इस तरीके से लेंगे, हल्का सा ऐसे कर देंगे और 1/2 भाग में हम इसे इस तरीके से सेट कर देंगे, सेट कर देंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और आलू को इधर से भी थोड़ा सेट कर देंगे, बिल्कुल टाको जैसे, जैसे टाकोज आते हैं ना उस तरीके से हमें सेट कर लेना है, या फिर इस तरीके से फर्रा भी बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड तो इसी तरीके से फ्रेंड सारे तैयार कर लेंगे। तो चलिए मिलती हूँ सारे तैयार करके। तो ये देखिए फ्रेंड 1 कप सूजी से मैंने कितना सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे बिना फ्राई किए भी हल्का सा तड़का लगा के ना फ्राई पैन पे इसे दोनों साइड से सेक के भी खा सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से इसका स्वाद बहुत इन्हेंस हो जाएगा, इसलिए मैं आज फ्राई करूंगी इसे। तो चलिए फ्रेंड्स इसे फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया फिर से वही फ्राई पैन, फ्राई पैन रिफाइंड ऑयल, मैं यहाँ फ्राई पैन में इसे शैलो फ्राई करूंगी। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इसे हल्का सा तेल डालकर सेक के भी खा सकते हैं, आप किसी भी तरीके से बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए तेल को गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स तेल अच्छे से गर्म हो गए, इस रेसिपी में तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम ले लेंगे एक घोल जो हमने बना के रखा था मैदे का, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने, अब हम इसमें 1-1 ये नाश्ता डालेंगे, डिप करेंगे इसे और फॉर्क की हेल्प से दोनों साइड हम बैटर को लगा देंगे
और इसे उठाएंगे, इसे अब हम लेंगे और तेल में डाल देंगे। तो इस तरीके से फॉर्क से डालने से बहुत ईजली ये डल जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे एक बार में जितना नाश्ता आएगा फ्रेंड हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से उठाएंगे और फॉर्क होने से ना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो बैटर है ये निकल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड एक बार में जितने स्नैक्स आएंगे मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। और आज को तेज ही रखना है और इसे डालते ही नहीं छेड़ना है, इसे दोनों साइड से अब सेक लेंगे हम तेज आंच पे। तो चलिए फ्रेंड अब सभी नाश्ते को पलट देते हैं। एक साइड से सेक गया होगा ये, तो ये देखिए कितना अच्छा सेक के तैयार हो गया है। तो सभी नाश्ते को मैं इसी तरीके से पलट दूंगी और दूसरी साइड भी हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए सबको पलट दिया मैंने, तो चलिए दूसरी साइड भी अच्छे से सेक के मिलती हूँ। तो फ्रेंड नाश्ता हमारा अच्छे से सेक के तैयार हो गया है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बचे हुए नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है, लुक कितनी अच्छी आई है इसकी। तो चलिए करते हैं इस नाश्ते की गर्मा गर्म प्लेटिंग। इस रेसिपी को मैं सर्व कर रही हूँ टोमेटो सॉस के साथ। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार नाश्ता बनता है। ये देखिए आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। यकीन मानिए फ्रेंड बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे, इतनी स्वादिष्ट रेसिपी ये बनके तैयार होती है। और चलिए फ्रेंड मैं अभी आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार। ये देखिए गर्मा गर्म इसे सर्व करें टोमेटो सॉस के साथ ये साथ या मनचाही चटनी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ईजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोग के लिए लेके आती रहूँ। तो मिलते हैं ऐसी ईजी और यूनिक रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।